out again. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ बुलबुल के कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। जब हमने पाठ को पढ़ा तब हमको कुछ ऐसे शब्द मिले जो हमारे लिए बिल्कुल नए थे, उनको पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल कठिन था। ऐसे ही शब्दों को आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ इन शब्दों का हम वाक्य प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अपनी कॉपी खोल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए कठिन शब्द। मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब कभी भी आप कठिन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे तब आपको क्या करना है, कठिन शब्दों को लिखना है और साथ ही साथ उनका उच्चारण भी करना है, उनको बोलना भी है। क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो ये कठिन शब्द हमारे लिए कठिन ही बने रहेंगे। हमें क्या करना है, इन कठिन शब्दों को बदलना है सरल शब्दों में। तो आइए देखते हैं पहला कठिन शब्द कौन सा है। तरीका, तरीका। क्या लिखा हुआ है, तरीका। एक बार फिर से बोलिए, तरीका। तरीका मीन्स मेथड। तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, यह तरीका बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हमें इस शब्द का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। अगला शब्द क्या है, कलगी, कलगी। क्या लिखा हुआ है, कलगी। एक बार फिर से बोलिए, कलगी। पाठ में हमने देखा था बुलबुल के सर पर एक कलगी लगी होती है। बालों का उठा हुआ भाग या क्या होता है, स्किन का कुछ पार्ट ऊपर सर के लगा रहता है, जिसे हम इंग्लिश में क्रेस्ट भी बोलते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए बुलबुल के ऊपर भी कलगी लगी हुई है और हमारे मुर्गे के ऊपर भी लाल रंग की कलगी लगी हुई है, इसे हम कहते हैं कलगी। अब वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मुर्गे के सिर पर लाल रंग की कलगी होती है। अगला शब्द क्या है, हमला, हमला, हमला। हमला का मतलब होता है अटैक। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, आज शेर ने हिरन पर हमला किया। इस तरह से हम अपने तरीके से वाक्यों को बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमें इन कठिन शब्दों का वाक्य प्रयोग जरूर करना है। अगला शब्द क्या है, घोंसला। घापरों की मात्रा घो और ऊपर बिंदु लगाए तो घो, घोंसला, घोंसला। घोंसला मीन्स नेस्ट। बुलबुल का घोंसला बहुत ही मजबूत होता है। चिड़िया का घोंसला मेरे घर की छत पर है। इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला शब्द क्या है, कटोरे, कटोरे, कटोरे। क्या लिखा हुआ है, कटोरे। कटोरे बना है कटोरा से, और कटोरे को हम क्या बोलते हैं, बाउल। आज मुझे इस कटोरे में खाना दो, इस कटोरे में मैं खाना खाऊंगा। इस तरीके से हमें इसका वाक्य प्रयोग करना है। अगला शब्द क्या है, ढूंढ कर। ढापर बड़ाऊ की मात्रा है और ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो ढूंढ, ढूंढ कर, ढूंढ कर। खोज कर, सर्च करके, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, आज मैंने इस पेंसिल को ढूंढ कर अपनी टेबल पर रखा है। आज मैंने हिंदी की किताब को ढूंढ कर अपने बैग में रखा है। इस तरीके से हमें इन शब्दों के वाक्य प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना है। आइए एक बार फिर से सभी कठिन शब्दों को पढ़ते हैं, तरीका, कलगी, हमला, घोंसला, कटोरे, ढूंढ कर। इसी प्रकार से आपको तीन बार लिखना है और इनको साथ ही साथ बोलना भी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इन शब्दों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।